सिर्फ इस एक पौधे की कीमत है 8 मिलियन। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी एकदम से सही सलामत होंगे। तो आज भी मेरी सुबह जो है ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, 10 बजे शुरू हो रही है मेरी सुबह, क्योंकि आज भी ड्यूटी पे नहीं जाना था, तो कल से काम शुरू होगा, नए साल का काम। तो मैंने सोचा कि भाई 10 तो बज ही चुके हैं, ब्लॉग अभी से शुरू कर देता हूँ। आज बहुत कुछ आपको दिखाने के लिए है, बहुत सारी बातें आपके साथ करने के लिए है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम है चमन और मैं वियतनाम से ब्लॉग बनाता हूँ आपके लिए। और कभी कभी कभार मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाता हूँ वियतनाम के बारे में, कि कैसे वर्क परमिट वगैरह अप्लाई करना है, जॉब वगैरह कैसे सर्च करें यहाँ पर, और वर्क परमिट वगैरह की फ़ीस क्या होती है, लिविंग कॉस्ट क्या होती है। तो हर चीज़ के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। तो इसीलिए पहले अगर आप नए हैं यहाँ पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नया साल तो हो गया है और वियतनाम का नया साल अभी तक नहीं हुआ है। तो वियतनाम का जो नया साल है वो होता है लूनर न्यू ईयर, और जो कि चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, चाइनीज़ और वियतनाम। और कुछ लोग तो भाई इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, वियतनाम क्या चाइना में है? तो भाई वियतनाम भी एक कंट्री है, चाइना एक अलग से कंट्री है, तो दोनों अलग अलग कंट्री है। लेकिन जो सिस्टम है, जो रिलीजियस यहाँ पर मानते हैं लोग, लोग जो सेलिब्रेशन करते हैं वो सेम दोनों कंट्री में होता है, लेकिन कंट्री अलग अलग है और आपस में इनकी भी वैसे ही सटकी रहती है जैसे इंडिया और चाइना की सटकी रहती है। तो एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, तो अलग अलग है। तो ये तो छोड़ो, ये तो अलग मैटर है, लेकिन अभी बात करते हैं कि भाई यहाँ पर न्यू ईयर कैसे मनाते हैं ये लोग, लूनर न्यू ईयर होता है उसको कैसे मनाते हैं। तो अभी 20 दिन बाकी है लूनर न्यू ईयर के लिए, आई थिंक 22 तारीख को जो है फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर होगा जो लूनर कैलेंडर का। तो उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं, इनके लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है न्यू ईयर जो ये लोग मनाते हैं। तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते के लिए सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मैं भी अपने घर चले जाऊँगा। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिटी में काम कर रहे होते हैं, गाँव से आके शहरों में काम कर रहे होते हैं, वो भी अपने अपने घर जाते हैं अपने अपने फैमिली के साथ त्यौहार मनाने के लिए। ऐसा ही यहाँ पर होता है, जैसे हमारे दीपावली में होता है ना, वैसे सेम सिस्टम मान के चलो सेम यहाँ पर होता है, जैसे हम दिवाली में अपने अपने घर जाते हैं। तो वैसे तो मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर भी ये वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों की पहुँच अभी तक शायद वहाँ तक नहीं पहुँची होगी, तो इस बार फिर से बना रहा हूँ, क्योंकि न्यू ईयर तो हर साल आते रहता है, तो इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और दिखाएंगे आपको हर एक एक्टिविटीज़ को, क्योंकि अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। अभी से बाहर जो रोड है, रोड पे खूब ढंग से सजावट की जाती है, लाइटिंग्स वगैरह की जाती है, हर जगह में कंट्री का फ्लैग लगाया जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी का, क्योंकि वियतनाम में तो कम्युनिस्ट सिस्टम है ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी का भी फ्लैग लगता है, और साथ में लाइटिंग्स फूलों से सजाया जाता है, और पेड़ पौधे को बेचते हैं बाहर लोग, जैसे संतरे के पेड़ हो गए, आड़ू के पेड़ हो गए, इस तरीके से जिसमें फूल वगैरह आते हैं अभी, तो उसको शुभ मानते हैं, इसीलिए उन सारे पेड़ों को बेचा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं लोग अपने घर में लेके आते हैं न्यू ईयर के टाइम में, तो अभी से बेचना शुरू हो गया है। आज मैं बाहर भी जाऊँगा रोड पर, आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से लोग बेचते हैं, कितना सुंदर सुंदर होता है, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, सारे अपडेट्स आते रहेंगे। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को। तो यही मेरी एक आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको सारे अपडेट वियतनाम से रिलेटेड मिलते रहे। तो फिलहाल के लिए तो अभी हम लंच वगैरह करेंगे और उसके बाद मैं बाहर जाऊँगा तो दिखाऊँगा आपसे बाहर का अपडेट क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कल तो मैं योगा क्लासेस लेने जाऊँगा, कल का ब्लॉग जो है योगा से रिलेटेड कुछ अलग टाइप से रिलेटेड होगा। तो आज का जो ब्लॉग है कि वियतनाम में न्यू ईयर की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, किस ढंग से न्यू ईयर को मनाते हैं, तो ये चीज़ ही आपको दिखाऊंगा। तो बने रहना है ब्लॉग में, छोड़ना मत बीच में, और ब्लॉग को यार पूरा देखा करो। अब बीच में आप स्किप करते हैं ना, उससे क्या होता है कि इम्प्रेशन उससे लो हो जाता है, तो लोग विजिट नहीं करते हैं चैनल को। जब यूट्यूब इम्प्रेशन देगा तभी इम्प्रेशन देगा, अगर आप ब्लॉग को पूरा देखेंगे तभी YouTube भी इम्प्रेशन छोड़ेगा वीडियो में, जब इम्प्रेशन छोड़ेगा तो लोग विजिट करेंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है ब्लॉग को पूरा देख लिया करो। तो चलो ज़रा थोड़ा सा काम कर देते घर का, फिर कंटिन्यू ब्लॉग करेंगे। तो गाइज़ ज़रा आपको मैं बताता हूँ, ये देख लो,
ये सोन पापड़ी है। सोन पापड़ी का 250 ग्राम का पैक है। ये वियतनाम में मिलता है 60,000 वियतनाम डोंग का, तो जिसका मतलब आप मान के चल लो कितना, 180 90 के बीच में। तो इंडिया में कितने का मिलता है आप ज़रा कमेंट करके बताना। फ़िलहाल यहाँ पर तो भाई इतना महंगा मिलता है, आई थिंक इंडिया में इतना महंगा नहीं मिलता है। तो फ़िलहाल के लिए मैं खा लेता हूँ, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ हर रोज़ में, कभी गुलाब जामुन बना लिए, कभी सोन पापड़ी, क्योंकि भाई विदेश में रह के भी भारत के स्वाद थोड़े बहुत तो लेने पड़ते हैं भाई, पूरे तो नहीं ले सकते हैं, थोड़े बहुत तो लेने पड़ते हैं। सो गाइस, सर्दी तो कुछ ज़्यादा है, सुबह से मन नहीं कर रहा था मेरा बाहर निकलने का, और अभी 1:30 बज चुका है, तो सोचा यार चला ही जाता हूँ, दिन ख़त्म हो जाएगा फिर कब जाऊँगा, बाहर जाता हूँ थोड़ा बाहर का मॉल देखता हूँ, क्योंकि कल से तो काम फिर बिजी होगा, कल से तो आपको अलग टाइप का ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो आज दिखाते हैं कैसा कैसा प्रिपरेशन चल रहा है बाहर। तो मैं भी नीचे आ गया हूँ जूते वगैरह पहन के, फिर बाइक स्टार्ट करते हैं अपना और चलते हैं। ये देखिए गाइस, आड़ू का पौधा है, ये छोटे छोटे पौधे हैं, कटिंग करके बनाया ही ऐसे होता है, क्या तगड़ी कारीगरी होती है, देख रहे हो ये आड़ू के पौधे हैं सारे। इधर ऑरेंज भी है देखो, ये कोई अलग ही तरीके का फूल है। सारे पौधे ये बेचने के लिए रखे हुए, और इधर देखो कैसे अलग अलग प्रकार के पौधे हैं। ये फूल देखो उधर है, और जो अंदर टेंट है, टेंट के अंदर बहुत ही तकड़े महंगे महंगे पौधे हैं, महंगा माल टेंट के अंदर है। तो इनका दुकान हमारे घर के पास में है, लेकिन ये टेट का टाइम है, हॉलीडे का टाइम आ रहा है, तो इनने यहाँ पर भी लगा लिया है अपना सामान बाहर। शोर बहुत आ रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास माइक वगैरह तो नहीं है भाई, मैं वैसे ही ब्लॉग बना रहा हूँ। इधर देखो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है भाई, कहना है चकड़ा बाप ऊंची हो नाम ची हो कहना है कि तो मोट का नहीं मैं तत्का नाम सोची। तो अभी मैंने इनसे बातचीत की, ये इसका क्या प्राइस रहेगा, तो इनने मेरे को बताया ये जो एक टैनी है ये 200K वियतनाम डोंग की, जिसका आप समझ सकते हैं कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 600 से ऊपर का हो जाता है एक टैनी सिर्फ। तो उसके हिसाब से आप काउंट कर लो जितनी इसमें टैनी है, प्राइस को काउंट करेंगे तो आई थिंक ये 7 से 8 मिलियन के बीच का है ये एक पौधा। यहाँ पर टैनियाँ नहीं, जब ख़रीदेंगे उसको तो टैनी के हिसाब से, जैसे वो गमले में बना रखा है, तो 8 मिलियन तक का, जिसका कि हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके 24-25 हज़ार रुपये का ही ये एक ही पौधा है भाई, सोचो इतना महंगा देख रहे हो। और ये सुंदर भी है, सिर्फ इसका रेट ही इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सुंदर भी है तो होगा ही एक्सपेंसिव। और ये पहाड़ों से इसको निकालते हैं जाके, पहाड़ों से जो ये होता ना रूट उसको लेके आते हैं, फिर इसको घर में तैयार करते हैं, पूरा साल लग जाता है इसको बनाने में, तभी ये इतना एक्सपेंसिव भी होता है। और इस पौधे का टेक केयर हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत तगड़ा ट्रेनिंग चाहिए होता है, तभी ही हम इसको रेडी कर सकते हैं, और तब जाके ऐसे इसमें अच्छी अच्छी कलियाँ निकलती है। तो काफ़ी मेहनत का काम है भाई इसमें, इसका टेक केयर करने के लिए पैसा भी लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है। तो अभी जाऊंगा मैं बाहर रोड के ऊपर, रोड में दिखाऊंगा आपसे कई तरह के ऑरेंजेस, बड़े बड़े होते हैं, ये तो छोटे छोटे पौधे हैं ना, बड़े बड़े पौधे दिखाऊंगा आपसे। तो अभी मैं निकल चुका हूँ रोड में, अब तो आप बस इंजॉय करो, यहाँ पर सुंदर सुंदर पौधे देखो कैसे यहाँ पर डिस्प्ले कर रखे है, बस पूरा आनंद रहो इसका, देखते रहो म्यूजिक के साथ में।
तो देख ही रहे होगे आप, टेट का प्रिपरेशन इस प्रकार से होता है। लोग काफ़ी बिजी रहते हैं अपने घर की सजावट करने में और बाकी काम काज को क्लियर करने में। गाइस, आज डिनर पे बन रहा है मटन करी और साथ में बनेंगे बासमती राइस। देखो राइस यहाँ पर मैंने भिगोने के लिए डाल दिए है, थोड़ी देर में इसको पका लेंगे। पानी यहाँ पर गर्म हो रहा है राइस के लिए। सो गाइस, हमारी करी बन गई है, राइस बन गए, सब कुछ रेडी हो चुका है और आपसे दिखाते हैं ज़रा। देख रहे हो मटन करी है, यहाँ पर लाइट अच्छी नहीं है तो भाई ऐसी दिख रही है। और इधर हमारा बासमती राइस बनके एकदम से तैयार है, तो अब खाएंगे क्योंकि भाई वीडियो को तो हम ऑफ कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई जो मटन शटन चिकन वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो भी ऑफ हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने सोचा कि ब्लॉग को भी यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और जो नया है सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। गुड बाय।